मुंबई के लोनावला में फिर एक बार डैम के पानी में डूबने से हुई एक शख्स की मौत। इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है और झरनों का लुत्फ उठाने वाले लोगों को जानलेवा साबित हो रही है। इतना ही नहीं, रेस्क्यू करते वक्त जान जोखिम में डालना पड़ता है, वो बात अलग है। बीते दिन महाराष्ट्र के लोनावला में फिर एक शख्स की डैम के पानी में डूबकर मौत हो गई। शव को बाहर निकाल रहे पुलिस कर्मचारी के पैर फिसला और वो भी पानी में बह गया और उसकी जान जोखिम में आ गई थी, लेकिन बाकी के पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत बहादुरी से तेज लहरों के बीच से बाहर निकाल लिया। चार लोग पुणे से लोनावला घूमने आए थे। शराब के नशे में श्रीराम नामक लड़का पानी के बहाव में फंस गया और पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने उसके शव को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। डैम से गिरता पानी झरने से काफी तेज से बह रहा था। शव को बाहर निकालते वक्त पुलिस कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लहरों के बीच इस शव को निकालना था और जद्दोजहद करने पर अचानक एक पुलिसकर्मी का पैर फिसला, वो भी पानी में बहने लगा, लेकिन बाकी के कर्मचारियों ने रस्सी के सहारे पकड़ रखे थे और इस तरह पुलिस कर्मचारी को बचाया गया। शव को बाहर निकालते वक्त कैसी मशक्कत करनी पड़ती होगी, यह बात इससे साफ पता चलता है। इसलिए अगर आप भी कहीं पानी के आसपास मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं तो जरा सावधानी बरतें।